भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आगजनी के कारण हुई चार बच्चों की मौत के बाद सरकारी अस्पतालों में इस तरह की दुर्घटनाएं रोकने की मशक्कत शुरू हो गई है। गुना के जिला चिकित्सालय में आग लगने के बाद अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल करने के बड़े स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के स्टाफ के अलावा निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए के निर्देश पर प्रशिक्षण देने के लिए होमगार्ड और SDRF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल में आगजनी होने पर उस पर कैसे काबू पाया जाए और इन हालातों में कम से कम नुकसान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए होमगार्ड और SDRF की टीम ने अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करने की प्रक्रिया डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को समझाई। प्रशिक्षण में सबसे पहले बताया गया कि आग लगने के कारण क्या होते हैं और आगजनी की आशंका को कैसे रोका जा सकता है। होमगार्ड की टीम ने अस्पताल में कई वार्डों में जाकर आग बुझाने का डेमो भी दिया गया। आग बुझाने के लिए अस्पताल में रखे जाने वाले सिलेंडरों के रखरखाव की जानकारी दी गई। होमगार्ड और SDRF अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के बाद घबराना नहीं चाहिए बल्कि उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र का प्रशिक्षण यहाँ जिला चिकित्सालय में दिया गया। अमूमन क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर तो हम देखते हैं कि दीवारों पे हमको दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा जो स्टाफ होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना नहीं आता, और किसी भी आग को बुझाने के लिए सबसे उसकी प्राथमिक अवस्था उसकी छोटी अवस्था होती है, जिसमें अगर हम उसी में उसको बुझा देते हैं तो वो विकराल रूप लेने से रोका जा सकता है। तो आज हमारे द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा जो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग यहाँ जिला चिकित्सालय में उपस्थित सभी डॉक्टर साहिबान, CS साहब, CMHO साहब और हमारे क्या नाम से जितने यहाँ पर स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनको ये प्रयोग करके दिखाया गया। बहरहाल अब देखना है कि इस तरह के प्रशिक्षणों से हादसों को रोकने में कितनी सफलता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, गुना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।